ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमीरपुर के डीएवी पब्लिक स्कूल द्वारा अनु के सिंथेटिक ट्रैक में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया गया, जिसमें डीएसपी रेणु शर्मा ने मुख्य अतिथि शिरकत की, जिसमें प्रदेश भर के सभी डीएवी स्कूलों के लगभग 350 बच्चे भाग ले रहे हैं। इस दौरान 12 प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी, जिसमें बच्चे पूरे जोश के साथ भाग ले रहे हैं। इन प्रतियोगिताओं के प्रति बच्चों में भी काफी उत्साह दिखा। हमीरपुर के डीएवी पब्लिक स्कूल द्वारा अणु के सिंथेटिक ट्रैक में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया गया, जिसमें डीएसपी रेणु शर्मा ने मुख्य अतिथि शिरकत की, जिसमें प्रदेश भर के सभी डीएवी स्कूलों के लगभग 350 बच्चे भाग ले रहे हैं। इस दौरान 12 प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी, जिसमें बच्चे पूरे जोश के साथ भाग ले रहे हैं। इन प्रतियोगिताओं के प्रति बच्चों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। डीएवी पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य विश्वास शर्मा ने बताया कि आज 3 दिवसीय राज्य स्तरीय स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश भर के सभी डीएवी स्कूलों के बच्चे भाग ले रहे हैं। इस दौरान प्रधानाचार्य विश्वास शर्मा ने प्रदेश भर से आए सभी डीएवी स्कूलों के बच्चों को शुभकामनाएं दी और साथ ही राज्य स्तरीय स्पोर्ट्स मीट में आए मुख्य अतिथि का धन्यवाद किया। आज डीएवी हमीरपुर की प्रांगण में यहाँ स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया जा रहा है। एथलेटिक मीट पूरे हिमाचल के सभी डीएवी स्कूल्स के बच्चे यहाँ आए हैं और लगभग 350 के करीब पार्टिसिपेंट्स हैं जो इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें 12 इवेंट्स होंगे। हमें उम्मीद है कि ये सभी बच्चे अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे इन गेम्स में, टीम स्पिरिट के साथ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को प्रदर्शन करते हुए, और लेट द बेस्ट टीम बी विन। और सभी ने हार्ड वर्क किया है, मेरी शुभकामनाएं सभी टीमों को। मैं शुक्रगुजार हूँ, आई एम थैंकफुल टू द चीफ गेस्ट मैडम रेणु शर्मा जी, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, माननीय चेयरमैन श्री आनंद स्वरूप जी, सुरजीत राणा जी जो इस पूरी इवेंट के ऑब्जर्वर हैं, श्री सुरेश शर्मा जी प्रिंसिपल डीएवी कामरू, नसीब ठाकुर प्रिंसिपल डीएवी लथियानी, एंड जयदेव शर्मा जी जो प्रिंसिपल डीएवी भोजू आज हमारे साथ यहाँ इस मौके पर उपस्थित हैं। डीएवी नेशनल स्पोर्ट्स एक ऐसा इवेंट है जो इन सभी बच्चों को एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है अपने टैलेंट को शोकेस करने का, और इन्हें एक मंच प्रदान करता है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाने के लिए। आपको जानकर ये हर्ष होगा कि ये जो गेम्स हैं ये SGFI से मान्यता प्राप्त हैं, जिनके सर्टिफिकेट्स की वैल्यू। मैं एक बार फिर सभी टीमों को शुभकामनाएं देता हूं और हमारे सारे सदस्यों को जो हमारे विभिन्न डीएवी स्कूल से यहां आए हैं उन्हें शुभकामनाएं। डीएसपी रेणु शर्मा ने कहा कि सभी बच्चों को यही संदेश देना चाहते हूं कि बच्चों को सभी खेलों में भाग लेना चाहिए और खेलों को खेल भावना के साथ खेलना चाहिए। स्टेट इसके लिए तो यही मैसेज है कि स्पोर्ट्स को खेलें और स्पोर्ट्स की स्पिरिट के साथ खेलें, और खेलना बहुत ज़रूरी है। जीतना नहीं जीतना वो अलग चीज़ है, दैट इज़ एंटायरली डिफरेंट मैटर। और जब हम खेलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं जिनका अभी हमें समझ नहीं आती है, अभी हमें एहसास नहीं है, लेकिन लॉन्गर रन के लिए बहुत बेनिफिशियल है हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, और हमें इसमें करियर भी बहुत ब्राइट है। तो मेरी सभी बच्चों से सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि खेलें और अपने बच्चों को खेलने के लिए प्रोत्साहित करें। प्रधानाचार्य ने बताया कि आजकल ज्यादातर बच्चे टीवी और मोबाइलों में ज्यादा ध्यान देते हैं, बल्कि आज के दौर में बच्चों को खेलों के प्रति ज्यादा ध्यान दे तो बच्चों का शारीरिक विकास और मानसिक विकास अच्छा होगा। खेल के माध्यम से मैं सभी युवा वर्ग से बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि अपना समय बाकी किसी भी एक्टिविटी में लगाने के बजाय गेम्स एंड स्पोर्ट्स, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा आजकल टीवी से जुड़े रहते हैं, उसकी जगह खेलें कूदें। जैसा हमारी अतिथि ने भी कहा कि वो आपको मेंटल फिटनेस भी देते हैं, फिजिकल फिटनेस देते हैं, इससे बहुत फायदे हैं जो आगे चलकर आपको समझ में आएंगे। धन्यवाद।